दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोस्तों, अगर आप कोई ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग को मेंटेन करते हो जहां पर कोई भी प्रोडक्ट है जो लूज खरीदा जाता है और उसको बाद में अलग अलग टाइप की पैकिंग करके बेचा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो लेंगे ऑयल का। अगर हम कोई लूज ऑयल परचेज करते हैं और बाद में उसी ऑयल की हम अलग अलग 1 लीटर की पैकिंग, 2 लीटर की पैकिंग या फिर 5 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर की अगर पैकिंग करके अगर उसको हम सेल करते हैं, तो इस टाइप की बिजनेस की अकाउंटिंग को हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से मेंटेन करेंगे, किस प्रकार से हमें लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे और स्टॉक किस प्रकार से मेंटेन रहेगा लूज प्रोडक्ट का और उसके बाद में जो हमने पैकिंग करी है उन सब के प्रोडक्ट का। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपके सामने इस वीडियो में मैं आपको लाइव और प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने टेली सॉफ्टवेयर में अभी तक केवल और केवल कंपनी ही क्रिएट करी है। मैंने कोई भी लेज़र अभी तक नहीं क्रिएट किया और ना ही कोई स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट करी है, क्योंकि जो भी आपको मैं बताऊँगा बिल्कुल लाइव आपके सामने मैं क्रिएट करूँगा और सब कुछ आपको एंट्री करके भी बताऊँगा। तो इसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप सारा प्रोसेस है जो अच्छी तरीके से समझ पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड इसी टाइप की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अगर आपका कोई सजेस्ट है तो आप हमें जरूर कमेंट किया करें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस टाइप के बिजनेस के प्रोसेस को समझते हैं। हमने एग्जांपल में जो लिया हुआ आप देख सकते हो भी, हमने 500 लीटर लूज ऑयल परचेज किया है। ये आपके पास किसी ड्रम में आ सकता है, बाद में आपने इसके अलग पैकिंग करी हो, या हो सकता है आपने भी इसको अलग अलग लूज में खरीदा हो। तो उसके बाद में आपकी कंपनी इसको अलग अलग टाइप के पैकिंग करके सेल करती है, तो आपका कितना कॉस्ट उसके ऊपर आता है, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। अब आपके पास इसी टाइप से मिलती जुलती और टाइप का बिजनेस हो सकता है, जैसे भी मान लीजिए आपकी कोई ऐसी कंपनी है जो केवल वीट परचेज करती है, यानी कि कणक परचेज करती है और उसी कणक से बाद में अलग अलग टाइप के जो फ्लोर्स की पैकिंग है, आटे की पैकिंग करके सेल करती है, तो ये सेम ही प्रोसेस है। इसी टाइप से मिलता जुलता जो भी आपका बिजनेस है, सारा प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है, केवल और केवल बदलेगी तो सिर्फ स्टॉक आइटम ही बदलेगी, प्रोसेसिंग सारी सेम रहेगी अकाउंटिंग की और लेजर क्रिएट करने की। अब दोस्तों, हमने एग्जांपल यहां पर लिया, जैसा कि हमने कह सकते हैं भी हमने 500 लीटर लूज ऑयल परचेज किया है और ये हमें कॉस्ट पड़े 100 रुपए पर लीटर की। एग्जाम्पल को हम समझते हैं, तो हम कह सकते हैं इसको भी 100 रुपए की कॉस्ट है हमारी और 500 लीटर हमने परचेज किया है, तो इसका मतलब ये 50,000 रुपये का हमने ऑयल परचेज किया है। अब इसकी हम पैकिंग की अगर हम बात करें 1 लीटर की, तो 1 लीटर की जो पैकिंग है, तो लीटर तो हमारा 100 रुपये फिक्स है। अब उसके बाद में केवल हमारा ऑयल नहीं लगेगा, ऑयल के साथ साथ हमें जो 1 लीटर की हमें पैकिंग करनी है, तो वो 1 लीटर की बोतल या जो भी आपके पास जो आप बॉक्स दोगे वो भी आपको परचेज करना पड़ेगा, तो उसकी अमाउंट भी आपको इसके साथ है जो ऐड करनी पड़ेगी। हमने ले लिया अभी 1 लीटर की हम पैकिंग हम खरीदते हैं, मान लीजिए 1 लीटर की बोतल हम एक परचेज करते हैं, तो वो 20 रुपये की कॉस्ट हमें पड़ती है, तो 20 रुपये की वो भी होगी, 100 रुपये का ऑयल हो गया, तो ग्रोस आपके पास आ गया, एक्सपेंसेस विद मटेरियल आ जाएगा 120 रुपये का। अब उसके बाद पैकिंग का भी आपका खर्चा लगेगा। अब पैकिंग का खर्चा हम कह दिए भी 1 लीटर की अगर हम एक पैकिंग करते हैं तो 3 रुपये कंपनी का खर्चा आता है। आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट में चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टोटल हमारा आएगा वो 123 रुपये हमारा सारा कुछ पैकिंग वगैरह, बॉक्स वगैरह, ऑयल वगैरह की सारा कॉस्ट मिला के 123 रुपये की 1 लीटर की पैकिंग हमें खुद को घर पे पड़ रही है। इसी तरीके से आपको हमने 2 लीटर की यहाँ पे कॉस्ट निकाली हुई है, 2 लीटर निकालेंगे तो 200 रुपये का ऑयल होगा, 25 रुपये की हमारी एक पर बोतल होगी, तो 225 रुपये हो गया एक्सपेंसेस, और उसके बाद में 6 रुपये का हमने पैकिंग चार्जेस में ऐड किया हुआ है, तो 231 रुपये का लीटर है जो 2 लीटर की पैकिंग है, 231 रुपये की आ रही है। इसी तरीके से 5 लीटर की हम बात करें तो 5 लीटर के अंदर 500 रुपये का तो ऑयल हो जाएगा, 30 रुपये का इसकी 5 लीटर की बोतल का पीस हो गया, 530 रुपये हो गया, और इसके ऊपर 10 रुपये का पैकिंग एक्सपेंसिस आ गया
एक पीस पे। तो इसी तरीके से जो 5 लीटर की पैकिंग की जो कॉस्ट है वो सारा खर्चा मिला के 540 रुपये का हमें पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं भी हमें इसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या होगा, एक तो हमें ल्यूज ऑयल परचेज करना पड़ेगा और उसके बाद में जो हमारी 1 लीटर की जो बॉटल्स है वो हमें परचेज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और उसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे क्रिएट पर। तो सबसे पहले हम परचेज करेंगे ल्यूज ऑयल को, उसकी स्टॉक आइटम हमें बनानी पड़ेगी। तो हमने बना दिया ल्यूज ऑयल, ओके। और ये अब हमारे लिए एक तरीके का रॉ मटेरियल है क्योंकि अब यहाँ पर जो प्रोसेस लागू होने वाला वो मैन्युफैक्चरिंग वाला लागू होने वाला है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसका एक ग्रुप क्रिएट करेंगे रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारे लिए रॉ मटेरियल ही रहने वाला है। और इसको हम करेंगे लीटर के अंदर परचेज। तो यहाँ पर हमें यूनिट क्रिएट करनी पड़ेगी, आप एट सी भी यूज़ कर सकते हो या क्रिएट पे जाके बना सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे लीटर बना दिया और यहाँ पर भी मैं इसका लीटर सी दूंगा और उसके बाद में GST एप्लीकेबल यस। और इसके बाद यहाँ पे इसका जो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं ल्यूज ऑयल, HSN कोड आप अपने बिल के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो यहाँ पर, टैक्सेबल। अब इसका हम GST 5% और 12% लगा सकते हैं। अब आपके पास 5% का प्रोडक्ट हो सकता है, 12, 18, 28 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मेथड समझना है बस, प्रोसेसिंग सारी सेम रहेगी। अब ये तो था हमारे पास ल्यूज ऑयल, लेकिन अब हमें यहाँ पर बॉटल्स भी परचेज करनी है क्योंकि अब ऑयल तो हमारा लगेगा लेकिन उसके साथ के अंदर हमारी 1 लीटर की पैकिंग भी लगने वाली है। तो अब 1 लीटर का पैकिंग हम यहाँ पर परचेज करेंगे। तो यहाँ पर एक आइटम हम बनाएंगे 1 लीटर पैकिंग, ओके। और उसके बाद में अब ये हमारे लिए क्या रहेगा, ये भी एक तरीके का रॉ मटेरियल है और इसको हम करेंगे पीसीस में परचेज, क्योंकि ये हमारा लीटर में नहीं जाएगा, पीस में जाएगा। तो पीसीस में करेंगे, एप्लीकेबल को यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर खाली एक बार चाहे बोतल भी आप लिख सकते हो, HSN कोड आप अपने इनवॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो जो इनवॉइस के ऊपर आपके लग के आया हुआ है। अब हो सकता है ये बॉटल्स आपकी GST 5% के अंदर हो, मैंने 5% ले लिया एक बार। और इसके बाद में 2 लीटर की पैकिंग भी हम परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल है, ये भी पीसीस में जाने वाला है, यस करेंगे। और इसके बाद में बॉटल HSN कोड हम एक बार इसको सेम ही कर देते हैं, टैक्सेबल, और इसका GST रेट 5%। क्योंकि अब मान लीजिए आपके पास पैकिंग अलग अलग टाइप की आती है, 5, 12, 18, 28 की मिक्सिंग होती है, तो आप अलग अलग भी आपको बनानी पड़ सकती है। और इसी तरीके से 5 लीटर की एक और हम बना लेते हैं, ये भी रॉ मटेरियल है, ये भी पीसीस में सेल होगा, इसको यस करेंगे। बॉटल्स HSN कोड हमारा सेम रहने वाला है, टैक्सेबल करेंगे, 5% करेंगे। तो अब ये तो हमारे पास था पैकिंग वाइज। आपके पास पैकिंग अलग टाइप की हो सकती है, बॉक्स में हो सकती है या फिर बैग के अंदर भी हो सकती है, 5 kg का बैग, 10 kg का बैग या 50 kg का बैग, 20 kg का बैग, आप बॉटल्स की जगह बैग को यूज़ कर सकते हो। अब ये तो थी हमारी जो आइटम हमारी कंज्यूम होनी है। अब उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट सेल होगा वो हमारी बॉटल्स के अकॉर्डिंग होगा, या हम इसको कह सकते हैं भी अलग आपके पास बॉक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एज ए बॉटल ही मान के चलते हैं। तो अब हमारी लिखेंगे यहाँ पर भी, मान लीजिए आपके पास कोई भी है, हम लिख सकते हैं भी ऑयल, आपके पास जो इस ब्रांड के नाम से आप जिसको सेल करोगे उस ब्रांड का नाम अब आपको यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे मैंने कोई भी लिख दिया भी, मान लीजिए मैं लिख दी भी मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर। तो अब ये हमारा फिनिश गुड है क्योंकि अब ये मस्टर्ड ऑयल जो 1 लीटर है ये अब हमारा सेल होने वाला है। तो इसको हम करेंगे फिनिश गुड में, और एंटर प्रेस करेंगे, और ये अब हमारा पीसीस के अंदर ही सेल रहने वाला है, यस करेंगे। और यहाँ पर अब इसको हम रख देते हैं ऑयल, HSN कोड इसका हम लगा देंगे, टैक्सेबल करेंगे। अब इसका रेट हम मान लीजिए इसका रेट 5% है, तो हम इसको 5% पर रखेंगे। और इसी तरीके से हमारी अब जो मस्ट ऑयल है 2 लीटर की पैकिंग भी हमें सेल करनी है, और उसके बाद में पीसीस में एप्लीकेबल यस, ऑयल 1, 2, 3, 4, 5, HSN कोड, टैक्सेबल, GST रेट 5%।
और इसी तरीके से 5 लीटर वाली जो हमारी पैकिंग है उसका फिनिश गुड पीसेस में यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं, HSN कोड हम डाल देते हैं, टैक्सेबल इसको करेंगे और GST 5% करेंगे। तो ये हमारी होगी जो स्टॉक आइटम हमें सेल करनी है। अब ये तो हमें सेल करनी है, अब उसके बाद में अब ये जो सेल करेंगे, अब हमें हमारे पास स्टॉक आइटम पे देखते हैं, अल्टर पे चलते हैं, स्टॉक आइटम। अब इस तरीके से हमारे पास ये स्टॉक आइटम होगी, तो ये तो हमारा था रॉ मटेरियल और ये मस्ट 1 लीटर ऑयल, 1 लीटर, 2 लीटर और 5 लीटर ये हमें सेल करना होगा। तो अब सेल करेंगे, परचेज करना है, ये सेल करेंगे ये, तो इसकी एंट्री किस प्रकार से होगी? तो सबसे पहले हम करते हैं इन सभी आइटम को एक बार हम परचेज करते हैं। परचेज के लिए हम क्या क्या करते हैं, एक इनवॉइस बनाते हैं परचेज का, वाउचर पे हम चलते हैं F9, तो वाउचर, और हमें परचेज वाउचर की एंट्री करनी है तो इसके लिए हम करेंगे F9 यूज़। तो अब हमें यहाँ पर उस पार्टी का लेजर भी क्रिएट करना होगा जिस पार्टी से हमें उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो LC से हम एक बार कोई ABC कंपनी के नाम से हमने एक लेजर क्रिएट कर लिया, तो ये हमारे लिए रहने वाला सैंडरी क्रेडिटर्स, और यहाँ पर इसका एड्रेस हम एक बार डाल देते हैं श्री गंगानगर का, स्टेट राजस्थान, पिन कोड वगैरह, और रेगुलर एंटर प्रेस करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद हमें इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम करेंगे भी, हमने इसी पार्टी से लूज ऑयल हमने परचेज किया, मान लीजिए 500 लीटर 100 रुपीज़ का कॉस्ट हमारे पास आई है। अब हमें यहाँ पर एक परचेज का लेज़र यूज़ करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज, तो ये हमारा रहेगा अंडर परचेज अकाउंट में एप्लीकेबल रहेगा, और सर्विस जगह जगह करेंगे गुड्स को, और ये हमारा परचेज टैक्सेबल है। और उसके बाद में अब हमारे पास जो स्टॉक आइटम है, कौन सी, जो हमने अभी लूज क्रिएट करी थी पैकिंग के नाम से 1 लीटर पैकिंग। अब मान लीजिए ये हमने 20 पीस हमने परचेज किए हैं और एक पर की कॉस्ट हमने मानी थी यहाँ पर 20 रुपये की, तो इसको भी हम एक बार 20 रुपये, और ये हमारा रॉ मटेरियल ही है, रॉ मटेरियल परचेज 5% का परचेज टैक्सेबल। और इसी तरीके से 2 लीटर की जो हमारी पैकिंग है, ये भी हमने 20 पीस और इसकी कॉस्ट हमने माननी थी 25 रुपये की, तो ये टैक्सेबल रेट है, रॉ मटेरियल परचेज GST 5% वाला है, परचेज टैक्सेबल। और इसी तरीके से 5 लीटर की पैकिंग, और ये भी हमें 20 पीस और इसकी एक की कॉस्ट हमने मानी थी 30 रुपये की, तो ये हम परचेज कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग इसकी नहीं करी है, मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री हम करेंगे, और उसके बाद में हम लेज़र क्रिएट करेंगे CGST टैक्स के, टैक्स के लेज़र रहेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, GST में जाएंगे और CGST को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से SGST टैक्स का, GST और स्टेट टैक्स, तो ये हमारा इनवॉइस है जो बन के तैयार है। अब ये हमने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, लेकिन अब बारी आएगी इसको हम सेल कैसे करेंगे। तो अब हमें उस स्टॉक आइटम को ट्रांसफ़र देना पड़ेगा फिनिश गुड में, तो इसके लिए अब हमें बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा। किस प्रकार करेंगे, एल्टर पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पर हम जाएंगे, और जो हम आइटम सेल करेंगे उस आइटम को मॉडिफाई करेंगे। उसके बाद में आपके पास ये एडिशनल डिटेल के अंदर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा बिल ऑफ मटेरियल का, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे हम यहाँ पर इसको यस करेंगे तो यहाँ पर अब हमारा आ जाएगा ऑयल, और उसके बाद के अंदर आपका जो डिटेल्स है बिल ऑफ मटेरियल की, तो उसके अंदर आप यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर की हमें एक पीस के हिसाब से देनी है। अब कौन सा प्रोडक्ट हम सेल करेंगे, मस्टर्ड ऑयल। अब मस्टर्ड ऑयल हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल के अंदर हम यहाँ पर बना देते हैं, चलो 1 लीटर की एक बारी जो पैकिंग आपकी है मस्टर्ड 1 लीटर। अब इसके अंदर आपके आइटम क्या कंज्यूम रहेगी, अब इसके अंदर आइटम जो कंज्यूम रहने वाली है, एक तो आपका लूज ऑयल रहेगा कितना, 1 लीटर, अगर 1 लीटर की हम पैकिंग करते हैं तो, और इसके साथ साथ 1 लीटर की पैकिंग का भी एक पीस है जो लगेगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर आप चाहो तो बिल्कुल साथ के साथ बना सकते हो, नहीं तो आप इसको एक्सेप्ट करो। इसी तरीके से सेकेंड आइटम को ओपन करो, मैन्युफैक्चरिंग को आप करोगे यस, और उसके बाद में 2 लीटर आप पैकिंग बनाओ, उसके बाद में 1 पीस, और उसके 1 पीस के बाद में आपका एक तो लूज़,
ये रहेगा 2 लीटर लगेगा 2 लीटर की क्वांटिटी में, और पैकिंग रहने वाली है 2 लीटर की, जो पैकिंग की है वो रहेगी 1। कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से हम 5 लीटर को भी हम इसको करेंगे यस। इसको यस करने के बाद में 5 लीटर 1 पीस, इसमें रहेगा ल्यूज ऑयल 5 लीटर, और 5 लीटर की जो पैकिंग है रॉ मटेरियल वो 1 पीस रहेगा। इंटरप्रेस करते हुए इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। तो अब हमने इसका पैरामीटर सेट कर दिए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। तो वाउचर क्रिएट करने के लिए क्रिएट पर जाएंगे, देन हम वाउचर टाइप पर जाएंगे, और यहाँ पर हम करेंगे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का, और ये हमारा रहने वाला स्टॉक जर्नल में, ठीक है। और उसके बाद में एक ऑप्शन आपके पास ये आएगा, यूज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको आपको यस कर देना है, और इंटरप्रेस करते हुए इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। अब उसके बाद में क्या करना है, हमें वो आइटम है जो बनानी है, कौन सी आइटम बनाएंगे, जो हमने सेल करनी है 1 लीटर पैकिंग वाली, उसके लिए हम चलेंगे वाउचर पे। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्ट के साथ F7। तो जैसे हम एल्ट के साथ F7 यूज़ करेंगे, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग वाला वाउचर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और उसके बाद में नेम ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट है क्या बनाना है हमें, मस्टर्ड ऑयल की 1 लीटर की पैकिंग तैयार करनी है। अब आपको कितने पीस तैयार करने होंगे, हमने कह दिया 10 पीस हमें तैयार करने हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 10 देंगे, तो आप देख सकते हो ये कह रहे भी आपका जो ल्यूज ऑयल है वो तो 10 लीटर लगेगा, और इसके साथ साथ आपकी जो 1 लीटर की पैकिंग थी, आपकी जो खाली बॉटल्स थी, वो भी 10 पीस लगेगी। और इसने रेट कौन सा उठाया, जो हमने परचेज किया था वही रेट इसने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। अब उसके बाद में ये तो था हमारा चार्ज, जो इसके अंदर स्टॉक आइटम कंज्यूम होनी है। और उसके बाद के अंदर आपका कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर जो टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, आपकी एडिशनल कॉस्ट भी तो आएगी ना इसके ऊपर, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे भी पैकिंग मटेरियल। अब ये पैकिंग मटेरियल आपका एक तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको आप नोट एप्लीकेबल कर दीजिए GST को। और उसके बाद में अमाउंट पे आपको चलना है। अब अमाउंट आपका कितना लगेगा, अभी हमने जो कॉस्ट यहाँ पर एक्सपेंसेस निकाली थी, अभी एक का कॉस्ट आपके पास आ रहा है 3 रुपये का, और अब हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं 10 पीस, तो इसके मतलब 30 रुपये का एक्सपेंसेस आपका आएगा, एक्सेप्ट करेंगे। और इसी तरीके से मस्टर्ड ऑयल 2 लीटर को हमारे ये हमने किया 12 क्वांटिटीज़ की तैयार कर रहे हैं। तो जैसे हम 12 क्वांटिटी तैयार करेंगे, तो आप देख सकते हो ल्यूज ऑयल है जो आपका 24 लीटर कम होगा, और जो आपकी बोतल्स है वो 12 कम रहेगी। और इसी तरीके से इसका जो एडिशनल एक्सपेंसेस है, उसका लेज़र हमने पैकिंग मटेरियल के नाम से लेज़र क्रिएट किया है, एक का एक्सपेंसेस 6 रुपये हमने माना था, तो ये 12 आ गया, तो 12 के 72 रुपये आपका कॉस्ट आएगा। इसी तरीके से आपका 5 लीटर आपने 9 क्वांटिटी तैयार करी है, तो 9 क्वांटिटी अगर तैयार करोगे तो आपका 45 लीटर ऑयल है जो ल्यूज में से कम होगा, और पैकिंग मटेरियल आपकी 9 ही कम होगी। इंटरप्रेस करेंगे, और उसके बाद में टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में आपके जो पैकिंग एक्सपेंसेस हैं वो, अब इसका पैकिंग एक्सपेंस हमने 1 के ऊपर 10 माना था, टोटल हमने 9 तैयार कर रहे हैं, तो ये 90 रुपये की कॉस्ट आ रही है, एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा स्टॉक आइटम तैयार होगी। अब हम इसके स्टॉक आइटम की अगर डिटेल देखें स्टॉक समरी पे जाके, तो स्टॉक समरी में डिटेल देखेंगे तो, और L-1 के साथ डिटेल देखेंगे तो अभी आप देख सकते हो ये जो आपका जो स्टॉक है पूरा वो प्रॉपर आपको यहाँ दिखाई देगा भी इसके अंदर क्या रहने वाला है। भी आपका जो 1 लीटर की पैकिंग है वो भी आपको रॉ मटेरियल दिखाई देगी। इसका ग्रुप हमने फिनिश गुड में सेलेक्ट किया नहीं है, तो मस्टर्ड 2L को उसको हम एल्टर करके यहाँ पर इसको दे देंगे। इसका हमने प्राइमरी रख दिया, इसको हम करेंगे फिनिश गुड में ताकि स्टॉक हमारा प्रॉपर सही दिखे। स्टॉक समरी पे जाएंगे L-1, तो अभी आप देख सकते हो अब आपकी जो क्वांटिटी है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। भी आपने जो 500 लीटर का जो प्रोडक्ट जो परचेज किया था, अब वो 421 का रह गया, क्योंकि वो सारा का सारा अब आपका इन सभी आइटम के अंदर कंज्यूम हो गया, और ये जो हमारी फीसिस के अंदर थी वो भी सारा इस फिनिश गुड के अंदर कंज्यूम हो गया। अब इसकी हम सेल वाउचर की एंट्री करते हैं। सेल वाउचर की एंट्री करने के लिए सिंपल हम F8 प्रेस करेंगे। मान लीजिए हमने केस इनवॉइस हम बना देते हैं एक, और उसके बाद में हमारे पास स्टॉक आइटम देख सकते हो, यहीं से आपको पता चल जाएगा ये आपके पास कौन कौन सा स्टॉक है जो
कितना अवेलेबल है तो वो स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर, उसके बाद हमने 2 पीसेस सेल किए। अब इसकी जो कॉस्ट हमारे पास आई थी 123 रुपये की आई थी, मान लीजिए हमने इसको 150 रुपये का सेल कर दिया, तो हम यहाँ पर एक सेल का लेज़र क्रिएट करेंगे। 5% का सेल काउंट में जाएगा, एप्लीकेबल रहेगा और टाइप ऑफ सप्लाई की जगह गुड्स रहेगा, सेल टैक्सेबल रहेगा। और इसके बाद में आपका मस्टर्ड ऑयल 2 लीटर 5 पीसेस, और ये इसकी जो कॉस्ट हमारे पास आई थी 231 की, हमने 270 लगा दिया। सेल्स 5%, सेल टैक्सेबल, और उसके बाद में मस्टर्ड ऑयल आपका 5 लीटर, और ये हमारा रहेगा 3 पीस। और एक की कॉस्ट आई थी 540 रुपये की, हमने इसको 600 रुपये के अंदर सबसे सेल कर दिया, सेल टैक्सेबल। और उसके बाद में CGST टैक्स और SGST टैक्स हमने इस पर चार्ज कर दिया। अब हम स्टॉक पे जाएंगे तो हमारा स्टॉक की जो डिटेल्स है वो सारी आपको अलग अलग दिखेगी। पूरी डिटेल अगर हमें देखनी है तो F12 हम प्रेस करेंगे, और उसके बाद में जो हमारी ओपनिंग बैलेंस इनवर्ड्स को यस कर देंगे, Alt F1, F12, गुड्स इनवर्ड यस, और आउटवर्ड को भी यस करेंगे। और अगर आप इसको प्रॉफिट भी अगर आप देखना चाहो तो इसकी प्रॉफिट वैल्यू भी आप साथ के साथ इसका देख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट को। तो ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं तो आप देख सकते हो भी मस्टर्ड ऑयल हमने ये जो क्वांटिटी है ये अब हमारी परचेज हो चुकी है, और ये हमारा जो रॉ मटेरियल था, जो जो हमने प्रोडक्ट परचेज किए थे, अब वो हमारा इसमें से लेस हो गया। ये हमारी क्वांटिटी हमने मैन्युफैक्चरिंग करी थी और इन सभी क्वांटिटी की ये हमने सेल कर दी। तो अगर इसका प्रॉफिट देखें तो ये सारा इसका प्रॉफिट का मार्जिन आपके पास में दिखा रहे थे। अभी इसके अंदर आपको 54 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पर 195 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ पर 180 रुपये का प्रॉफिट आपको आ रहा है। और इसके साथ आपका ये क्लोजिंग बैलेंस अभी स्टॉक फिनिश गुड का भी स्टॉक आपको यहाँ पर घटेगा, और रॉ मटेरियल का स्टॉक भी आपको यहाँ पर लेस होके ही दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हो। ये वाली डिटेल सारी 10 पीस, जैसे 421 था ऑयल हमारा, और इसकी जो हमारी परचेज की क्वांटिटी थी 500 लीटर की, और इसको हमने 79 लीटर है जो कंज्यूम कर दिया, यानी कि यूज़ हमने कर लिया। तो ये स्टॉक आइटम का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, और ये आपका फिनिश गुड का स्टॉक। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना।